हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज से एक नई सीरीज चालू हुई है जिसके अंदर अपन साइंस के बायो से रिलेटेड जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सीरीज वाइज चालू करेंगे। आज जो अपना पहला टॉपिक है वो है ह्यूमन नर्वस सिस्टम, यानी कि मानव तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि वहाँ लिखा हुआ था अब सीखे प्रश्नों के साथ में बायोलॉजी। इसका मतलब ये हो गया कि इस चैप्टर के अंदर अपन जो जैसे डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन दिया हुआ होगा और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी जरूरी सूचनाएं जो आपके लिए जानना जरूरी हो, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब अपन उसी के क्वेश्चन के साथ में ही देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं हो, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। और आप भी एक चीज़ साथ में याद रखिए, हर एक क्वेश्चन आप भी आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखो ये जो मेन जो क्लास है आपके लिए NTPC और ग्रुप डी के जो सिलेबस है उनको देख के ही बनाई गई है। तो अगर आप NTPC और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और वीडियो के लास्ट के अंदर जो 5-7 क्वेश्चन हैं वो लिए गए हैं जो आपके NTPC CBT 2 के अंदर 100% पूछे जाएंगे। तो आप लास्ट के 5-7 क्वेश्चन तो किसी हालत में मिस मत करना, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। चलिए आज का देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन से पहले आपके लिए एक छोटी सी जानकारी है जो आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे आपको नर्वस सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए कि जो बेसिक जानकारी है नर्वस सिस्टम की, वरना आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम यानी मानव तंत्रिका तंत्र है उसको 3 भागों में बांटा गया है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए, कहीं कहीं पर आपको ये 2 भागों में दिखेगा, जैसे एक CNS है और एक PNS के अंदर। जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम दिया हुआ है वो इसी PNS का ही एक आगे भाग डिवाइड कर देते हैं। जैसे इस स्लाइड के अंदर आपको 3 भागों में दिया हुआ है, फर्स्ट है CNS, सेकंड है PNS और जो थर्ड है वो है ANS। यानी कि फर्स्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, प्रीतीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ये 3 हो गए। अब जो केंद्रीय प्रीतीय तंत्रिका तंत्र यानी जो CNS है वो उसको वापस आगे 2 भागों के अंदर बांटा गया, किस किस में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी, और उसी के बाद में जो PNS है अपना उसको बांटा गया कि क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स के अंदर, और जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है ANS है उसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऐसे डिवाइड किया गया है। और अगर आप ब्रेन को भी अपन आगे समझने की कोशिश करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर ब्रेन को भी आगे 3 भागों के अंदर और बांटा गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ये जो चार्ट दिया हुआ है इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट लेके रख के लीजिए। इस चार्ट में से एक क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। जैसे कि ये भी पूछ लिया कि जैसे फोर ब्रेन किसका पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का है, तो आपको पता होना चाहिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है फोर ब्रेन। फिर मिड ब्रेन का भी पूछ सकता है। अब इनके जो आगे कार्य है, ये काम कैसे कैसे करते हैं, वो सब अपन क्वेश्चन के साथ साथ में आगे डिस्कस करते हुए देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला जो क्वेश्चन है, आज का जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर आपसे ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। फर्स्ट क्वेश्चन ही देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, 100% आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। अभी तक आपने पहले भी एग्जाम दिए होंगे तो आपने कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर देखा होगा, जिसके अंदर ये पूछा जाता है कि तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, न्यूरोन को कहते हैं फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट। और जो किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक अगर इकाई पूछे अपन तो वो नेफ्रॉन होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब न्यूरॉन से रिलेटेड अगर आप और भी एक्स्ट्रा याद रखना चाहो, अब अगर आपसे ये क्वेश्चन कहीं भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो आप याद रखिए कि न्यूरॉन ही इसका आंसर होगा। सबसे लंबी कोशिका कौन सी, न्यूरॉन है। और न्यूरॉन से रिलेटेड अगर एक फैक्ट और भी याद रखना चाहो आप एक्स्ट्रा में, तो इसकी जो सूचना प्रसारण, क्योंकि आपको पता होगा कि न्यूरॉन का क्या काम होता है, जो भी संकेत मिलते हैं वो आगे से आगे पहुँचाना, यही तो न्यूरॉन का काम है। तो जो इसकी स्पीड अगर आपसे पूछे तो इसकी स्पीड हो गई आराम से 130 मीटर प्रति सेकंड, आप याद रखना इसको, ऐसे भी आप याद रख सकते हो 130/110 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि इसके बीच में इसकी स्पीड होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले देखो ये जो अभी ऐसे न्यूरॉन आया था अपन ने, न्यूरॉन से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको डायग्राम पता होना चाहिए। ये देखो ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये न्यूरॉन का है, एक न्यूरॉन के हिसाब से इसकी संरचना होती है यहाँ पे दी हुई है। इसके अंदर जो आपको मोस्ट जो याद रखने न्यूरॉन के अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, फर्स्ट इंपॉर्टेंट होता है डेंड्रियट्स, और सेकेंड जो इसका इंपॉर्टेंट है सेल बॉडी, और आपको ये पता होना चाहिए सेल बॉडी को ही साइटोन कहते हैं। अगर आपके कहीं पे आपको साइटोन नाम दिया हुआ जाता है तो ऐसे मत रखिए कि अपन ने साइटोन पढ़ा नहीं है, सेल बॉडी है इसी को ही साइटोन कहते हैं।
और जो इसका मोस्ट जो अगला इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है एग्जॉन। ये भी याद रखिए आप कि इसके अंदर तीन इम्पोर्टेंट पार्ट्स कौन कौन से हो गए, डेंड्रेट्स, सेल बॉडी और एग्जॉन। ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके साथ में अगर आप एक्स्ट्रा के अंदर याद रखना चाहो तो देखो यहाँ पे जो इसके ऊपर जो एग्जॉन के ऊपर एक जो सीट बनी हुई है, वसा की ये सीट बनी हुई है, इसको कहते हैं माइलिन सीट। और इन दोनों के बीच में जो गैप होता है एक माइलिन सीट से दूसरी माइलिन सीट के भी, उसको कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। और जो एग्जॉन जैसे ये यहाँ पे जो एग्जॉन निकली हुई है आप देख सकते हो, ये एग्जॉन आई हुई है यहाँ पे, जो एग्जॉन का जो लाइट जैसे बल्ब की, जैसे लाइट के जो बल्ब होते हैं उस टाइप की जो संरचना होती है उसको कहते हैं एग्जॉन टर्मिनल्स, ये भी याद रखिए। और अंदर जो है न्यूक्लियस पाया जाता है, ये भी एक्स्ट्रा के अंदर आप ऐसे याद रख सकते हो। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो अपन और आगे डिस्कस करते रहेंगे। इसके अंदर एक चीज़ और आप याद रख लो, इसके अंदर जो आस, अगर आपसे पूछे कि तंत्रिका कोशिका यानी जो न्यूरॉन है उसके लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक होते हैं, तो उसके अंदर आप ये याद रखिए, एक तो सोडियम इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट तत्व होता है, और इसी के साथ में ही पोटेशियम। तो ये दोनों जो तत्व है सोडियम और पोटेशियम तंत्रिका तंत्र के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और एक चीज़ अगर और भी एक्स्ट्रा में आप याद रखना चाहो तो इसके अंदर जो सेल डिवीजन होता है यानी कि जो रीजनरेशन की जो पावर होती है वो नहीं होती है न्यूरॉन के अंदर, जो पुनरुद्भवन की या विभाजन की जो क्षमता होती है वो नहीं होती। जैसे कि आपको पता होगा सेल डिवीजन एक सेल होती है वो ख़त्म होने से पहले अपने ही जैसी दो सेल और बना लेती है, तो ये हो गया सेल विभाजन यानी कि कोशिका विभाजन। लेकिन जो न्यूरॉन होती है उसके अंदर एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन नहीं बनती है, ये आपको याद रखना है। अगर एक बार न्यूरॉन मर गई तो फिर वो वापस उससे नई न्यूरॉन नहीं बनेगी। तो आखिरकार अगर ये भी पता, अगर आपसे पूछे कि न्यूरॉन बनती किससे हैं, तो आपको याद रखना है जब न्यूरॉन फर्स्ट टाइम ओरिजिनेट होती है तो किससे होती है, एक्टोडर्म से होती है। जो एक्टोडर्म लेयर होती है, जैसे तीन लेयर होती है, एक्टोडर्म होती है, एक मेसोडर्म होती है और एक एंडोडर्म होती है। तो जो न्यूरॉन जो बनती है वो एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होती है, और उसके बाद में अगर न्यूरॉन कभी बनती है तो किससे बनती है, ये भी आप अगर एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखना चाहो तो स्टेम सेल से बनती है न्यूरॉन, ये भी आप याद रखना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निजेल कणिकाएं बनी होती है, जो निजेल कणिकाएं होती है, निजेल कणिकाएं देखो अगर आपको समझ में नहीं आए तो यहाँ पे जो ये दिया हुआ है ये ऐसे न्यूक्लियन हो गया, न्यूक्लियस के आभास में जो ये साइटोप्लाज्म हो गया, उसके बाद में यहाँ पे इसे अंदर डायग्राम में नहीं दिया हुआ है थोड़ा क्लियर, यहाँ पे एक जैसा कलर कर दिया, लेकिन जो सही में होता है यहाँ पे ऐसे डॉट 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 होते हैं, उन डॉट डॉट को ही कहा जाता है निजेल कणिकाएं, ये याद रखिए। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, निजेल कणिकाएं किसकी बनी होती है, तो जो निजल कणिकाएं होती है वो किसकी बनी होती है, इसका राइट आंसर क्या होगा, वो प्रोटीन और ईआर की बनी होती है। ईआर से अगर पूछे ईआर क्या हो गया, तो ईआर अगर आपने सेल का टॉपिक अभी पढ़ा हो तो आपको ऐसे पता होगा ईआर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये किस किस की बनी होती है, निजल कणिकाएं प्रोटीन और ईआर की बनी होती है निजल कणिकाएं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है तंत्रिका कोशिका में पाई जाने वाली धागेनुमा संरचना को क्या कहा जाता है, तो जो तंत्रिका कोशिका होती है उसके अंदर जो धागेनुमा जो संरचना पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है, डेंड्राइन कहा जाता है। वैसे अपन ने ये पहले डिस्कस किया था, अगर आपको देखो एक बार वापस दिखा देता हूँ, जैसे ये तंत्रिका कोशिका जैसे न्यूरॉन है इसके अंदर जो ये धागेनुमा संरचना देखो, ये आगे जो धागेनुमा संरचना है इन संरचनाओं को क्या कहा जाता है, डेंड्राइट कहा जाता है। यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये अपन ने सेम यही तो क्वेश्चन में पूछा गया है बस। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन आपको याद रखनी है, धागेनुमा संरचना को क्या कहा जाता है, डेंड्राइट कहा जाता है। और जो माइलिन सीट है, जैसे ये यहाँ पे माइसिलिन सीट दिया हुआ है ऑप्शन के अंदर, तो आपको ये ऐसे बताया था ये एग्जॉन हो गई, एग्जॉन के ऊपर जो ऐसे बना हुए थे इस टाइप की जो संरचना थी उस संरचना को ही क्या कहा जाता है, माइसिलिन सीट कहा जाता है। और ये माइसिलिन सीट किसकी बनी होती है, ये परतें अगर आपसे पूछे किसकी परतें बनी होती है, ये वसा की, फैट की परतें होती है, उनको कहते हैं माइसिलिन सीट। ये भी आप एक्स्ट्रा में याद रख सकते हो। अभी ये यहाँ पे भी ऐसे दिया हुआ है, देखो माइसिलिन सीट अगर पूछे तो ये होगी माइसिलिन सीट, यहाँ पे जो ऊपर दिए बीच में जो ये अंदर जो ऐसे जाती हुई एक लेयर दिख रही है इसको क्या कहेंगे अपन, एग्जॉन कहेंगे। ये यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया और ये यहाँ पे डेंड्राइट्स हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल है तंत्रिका कोशिकाओं को उत्तेजित करने वाले रासायनिक पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो जो तंत्रिका कोशिका होती है जो अपने नर्व सेल जो होती है उसको उत्तेजित करने के लिए एक रासायनिक पदार्थ होता है, तो उस रासायनिक पदार्थ को क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है उस रासायनिक पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। ये आप ज़रूर याद रखिए, मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। ऐसे भी ये पूछा जा सकता है कि कौन सा पदार्थ पाया जाता है तंत्रिका कोशिकाओं में, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है, ये भी आप याद रख सकते हो।
और जो एक्जोन पर जो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले न्यूरोट्रांसमीटर है उसका अगर आपको पूछे तो क्या नाम है, तो आप एक्स्ट्रा फैक्ट में ये भी आप याद रख सकते हो, उसका क्या नाम है, एसीटोकोलीन नाम है, एसीटोकोलीन, ये भी आप एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रख सकते हो अगर चाहो तो। साथ में देखो क्वेश्चन तो जितने लिए हुए हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही, क्वेश्चन के साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट करवाए गए। अब ये कोशिश की कि जितने भी पुराने क्वेश्चन आए हुए अपने वो भी हो जाएंगे, उसके साथ में अपने टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। तो इसी हिसाब से आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि सिर्फ आपको क्वेश्चन करने हैं या फिर जैसे अभी अपन आज कर रहे हैं ऐसे सही रहेगा। अगर आप कहोगे कि सिर्फ क्वेश्चन करने हैं, थ्योरी मत बताओ, तो सिर्फ क्वेश्चन ही कर लेंगे फिर आगे से। अगला सवाल है, जैविक मृत्यु या फिर कोमा में निम्न में से कौन सा अंग कार्य करता है? तो आपको पता होगा कभी कोई कोमा के अंदर चला जाता है तो तब शरीर का एक ऐसा अंग होता है जो कार्य करता रहता है, तो वो कौन सा अंग होता है? क्या केवल मेडुला ऑब्लॉगेटा होता है, केवल पॉन्स होता है, या केवल अनुमस्तिष्क होता है, यहाँ पर अनुमस्तिष्क है, और या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कोमा के अंदर कौन सा अंग कार्य करता रहता है? तो इसका आप एक याद रखना, केवल मेडुला ऑब्लॉगेटा होता है, वही काम करता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपसे किसी भी एग्जाम के अंदर डायरेक्ट फैक्ट पूछा जाता है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपसे कि मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो आप याद रखिए 1300 से लेकर 1400 ग्राम होता है मानव मस्तिष्क का भार। अब इसमें जो एक ध्यान देने वाली बात ये है, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर तो 1300 और 1400 साथ में दे दिए, लेकिन अगर मान लो कि आपको ऐसे दिया हुआ था, एक नंबर के अंदर 1300 ऑप्शन है, दो नंबर के अंदर 1400 ऑप्शन है, तो आप कौन सा सिलेक्ट करके आओगे? तब आपको याद रखना है कि 1400 ही सिलेक्ट करके आना है। मानव मस्तिष्क का अगर बाहर पूछे तो आपको 1400 ग्राम सिलेक्ट करना है, और 1300 और 1400 साथ दिया हुआ है तो तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं वैसे भी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल है वो है, निम्नलिखित में से ये अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है, जो अग्र मस्तिष्क है यानी कि जो अग्र मस्तिष्क है इसका भाग कौन सा नहीं है? तो क्या अनुमस्तिष्क नहीं है, प्रेमस्तिष्क नहीं है, डाइएन्सेफेलोन नहीं है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा अनुमस्तिष्क। जो अनुमस्तिष्क दिया हुआ है ये अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है, जो आपके जो फोर ब्रेन है उसका भाग नहीं है ये अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क किसका भाग हो गया, पश्च मस्तिष्क का भाग है अनुमस्तिष्क। और अगर मस्तिष्क के आपके भाग पूछे कौन कौन से हैं, तो प्रेमस्तिष्क और डाइएन्सेफेलोन है, ये दोनों अग्र मस्तिष्क के भाग है, ये आप याद रखना। और पश्च मस्तिष्क के भाग, जैसे एक तो अपन ने देख लिया अनुमस्तिष्क हो गया, इसके अलावा और एक और कौन सा भाग होता है, मेडुला ऑब्लॉगेटा होता है पश्च मस्तिष्क के भाग। तो अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लॉगेटा तो हो गए पश्च मस्तिष्क के भाग, और जो प्रेमस्तिष्क और डाइएन्सेफेलोन होते हैं ये अग्र मस्तिष्क के भाग होते हैं, जो फोर ब्रेन होते हैं, जिससे तीन भाग होते हैं, जिसका अपन ने पहले स्लाइड के अंदर देखा था, एक था फोर ब्रेन, एक था मिड ब्रेन, और एक था हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन के जो भाग होते हैं वो तो होते हैं अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लॉगेटा, और जो फोर ब्रेन है उसके प्रेमस्तिष्क और डाइएन्सेफेलोन भाग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल है, कॉर्पोरा क्वाडी जेमिना निम्न में से किसका भाग है? तो जो कॉर्पोरा क्वाडी जेमिना है वो निम्न में से किसका भाग है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मध्य मस्तिष्क का भाग है कॉर्पोरा क्वाडी जेमिना भाग। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मध्य मस्तिष्क होता है उसका काम क्या है। अगर आपसे फंक्शन पूछे तो जो देखने और जो सुनने का काम होता है वो मध्य मस्तिष्क का काम होता है, ये आप याद रखना। देखने और सुनने का काम जो करता है वो मध्य मस्तिष्क करता है। अब मध्य मस्तिष्क रिलेटेड अगर आप एक बात और भी याद रखना चाहो तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि इसके अंदर जो दो जोड़ी कोशिकाएं पाई जाती है, जिसमें से एक जोड़ी जो कोशिकाएँ होती है वो होती है ऑप्टिक लोब और एक होती है ऑडिटरी लोब, ये आप याद रखना, जो देखने और सुनने के काम आती है, और मध्य मस्तिष्क के इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, मानव मस्तिष्क मृत्यु के बाद कितने समय तक सुरक्षित रहता है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर ऐसे डायरेक्ट पूछा जा रहा है ना तो हो तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे डायरेक्ट, अगर थोड़ा जैसे फैक्ट भी कोई एग्जाम के अंदर पूछे तो इसका राइट आंसर आप ऐसे सीधा रट के याद रख सकते हो कि मृत्यु के बाद में भी 7 मिनट तक मनुष्य का दिमाग काम करता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस झिल्ली के द्वारा प्रेमस्तिष्क के दोनों गोलार्ध पृथक होते हैं? तो देखो जैसे आपको ये पता होगा कि ऐसे जो मस्तिष्क की संरचना होती है तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो भाग होता है वो होता है प्रेमस्तिष्क। तो प्रेमस्तिष्क को जो एक जो लाइन ऐसी डिवाइड करती है उस लाइन को डिवाइड को क्या कहते हैं? यहाँ पे ये पूछा गया है कि उस लाइन का क्या नाम है, तो कॉर्पस कैलोसम है, वो दो गोलार्ध के अंदर दोनों गोलार्ध में डिवाइड करती है प्रेमस्तिष्क की झिल्ली को, ये आप याद रखना।
अगला सवाल है, न्यूमेटिक केंद्र उपस्थित होता है तो जो न्यूमेटिक केंद्र है वो कहाँ पे उपस्थित होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? पॉन्स के अंदर उपस्थित होता है न्यूमेटिक केंद्र। तो पॉन्स अगर पूछे किसका भाग है तो पॉन्स किसका भाग है? पश्च मस्तिष्क का भाग है। ये भी आपको याद रखना है कि पॉन्स है वो पश्च मस्तिष्क का भाग है। और पॉन्स किसके अंदर हेल्प करता है? तो जो श्वसन है अपना, जो श्वसन होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके अंदर पॉन्स काम करता है। ये भी आप याद रख सकते हो। और इसके अलावा एक पॉन्स से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो हो गया कि मस्तिष्क की सबसे छोटा भाग कौन सा होता है, तो वो भी पॉन्स ही होता है। ये भी याद रखना आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला सवाल है, मेडुला ओब्लॉगेटा का कार्य है, तो मेडुला ओब्लॉगेटा है उसका कार्य क्या है? तो हृदय धड़कन पर नियंत्रण, ये राइट आंसर है। डायरिया उल्टी पर भी नियंत्रण, ये भी राइट है। उत्सर्जन क्रिया पर नियंत्रण, ये भी राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फोर, जो ऑप्शन नंबर फोर है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी है, वो मेडुला ओब्लॉगेटा के। तो इन चारों को देखकर आपको क्या समझ में आता है? जैसे हृदय धड़कन पर नियंत्रण, डायरिया उल्टी पर नियंत्रण, उत्सर्जन क्रिया पर नियंत्रण, इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर वो क्रियाएं मेडुला ओब्लॉगेटा करता है जिस पे अपना कंट्रोल नहीं होता, जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है, जैसे जो अपने आप हो जाता है। जैसे हृदय धड़कन आपके हाथ में थोड़ी है, ऐसे तो नहीं है ना कि भाई आपने रात को बोल दिया सोते टाइम कि अभी नहीं धड़कना है, सुबह चालू हो जाना, तो ऐसा नहीं होता। जो जो चीज़ें अपने आप होती है उन सब का कौन सा काम करता है? मेडुला ओब्लॉगेटा। यानी कि अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ओब्लॉगेटा करता है। ये आप याद रखना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सबड्यूरल अवकाश होता है ड्यूरामेटर और अरेक्नॉइड के मध्य। अब ये सबड्यूरल अवकाश क्या होता है अगर ये पूछे, तो जैसे कि यहाँ पे जो अपना मान लो ब्रेन हो गया, ये अब जो ब्रेन है सभी को पता होगा कि ब्रेन किसके अंदर ढका रहता है? जो खोपड़ी होती है, स्कल होता है अपना, वो ढका रहता है। अब अगर ये भी आपको अगर हड्डियों से रिलेटेड, वैसे अपन आगे डिस्कस कर लेंगे, गर्दन से ऊपर ऊपर अगर आपको पूछे कितनी हड्डियाँ होती है तो 22 हड्डियाँ होती है गर्दन से ऊपर ऊपर। ये भी आप ऐसे याद रख सकते हो एक्स्ट्रा में। बाकी अपन जो हड्डियों वाला जब टॉपिक आएगा स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे तब वहाँ पे क्लियर कर लेंगे। अभी जो अपन डिस्कस कर लेते हैं वो जो ड्यूरामेटर और अरेक्नॉइड है ये क्या है। तो जैसे आपको ये बताया था, ये मस्तिष्क हो गया और ये स्कल हो गया। तो यहाँ पे इन तीनों के बीच में, जैसे यहाँ पे जो ये तो हो गया मस्तिष्क, ब्रेन और जो ये है स्कल, इनके बीच में तीन लेयर पाई जाती है। तो सबसे ऊपर जो लेयर पाई जाती है उसको कहते हैं ड्यूरामेटर, और जो बीच में पाई जाती है उसको अरेक्नॉइड, और जो सबसे नीचे पाई जाती है उसको पायामेटर। ये आप याद रखने, पायामेटर की स्पेलिंग होती है PIA, इसको पिया नहीं पायामेटर कहेंगे। तो अब जो ड्यूरामेटर हो गई, सबसे बाहर वाली ड्यूरामेटर है, फिर अरेक्नॉइड है और फिर पायामेटर। वैसे आप इसको देखो, ये एक ट्रिक भी कह के ये से याद रखते हैं कि डीएपी वैसे जो खाद वगैरह डालते हैं किसान, उसके ऐसे नाम यहाँ से याद रख सकते हो। इसकी जो सीरीज क्या है, डीएपी बाहर से अंदर की ओर। तो ये हो गई जो इन दोनों के बीच में, जो ड्यूरामीटर और अरेक्नॉइड के बीच में जो स्पेस होता है इसको क्या कहते हैं? सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं। अब जो अगर इन दोनों के बीच में भी कहते हैं तो इन दोनों के बीच के बीच को भी तो कुछ ना कुछ कहते ही होंगे ना। जैसे अरेक्नॉइड और पायामीटर के बीच में जो स्पेस होता है, ये अगर आपसे पूछे इन दोनों के बीच को क्या कहते हैं, तो इन दोनों के बीच को कहते हैं सब अरेक्नॉइड अवकाश। ये भी याद रखना, ऊपर वाले को कहते हैं सब ड्यूरल अवकाश और इसको कहते हैं सब अरेक्नॉइड अवकाश। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे मस्तिष्क का सहायक यानी कि असिस्टेंट ऑफ ब्रेन कहा जाता है? तो इनमें से असिस्टेंट ऑफ ब्रेन किसको कहा जाता है? ये आपको याद रखना है, मेरुरज्जु है, इसको कहा जाता है असिस्टेंट ऑफ ब्रेन। और मेरुरज्जु अगर आपसे पूछे मेरुरज्जु का क्या कार्य होगा, तो जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है, जैसे कि जो अचानक जो क्रियाएँ होती है, जैसे अपन ने मान लो कि कहीं जा रहे हैं और गलती से आग पे हाथ रख दिया तो अपन एकदम से हाथ हटा लेते हैं, तो वो जो क्रियाएँ हो गई प्रतिवर्ती क्रियाएँ, उसको कौन नियंत्रण करता है? मेरुरज्जु नियंत्रण करता है। तो ये भी आप याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अब जो सवाल है, हाइड्रोसिपेलिस एक है, तो आपको ये बताना है कि हाइड्रोसिपेलिस किस चीज़ से रिलेटेड है? तो हाइड्रोसिपेलिस किस चीज़ से रिलेटेड है? इनमें से इसका राइट आंसर क्या होगा? मस्तिष्क संबंधित रोग है ये, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ये आप याद रखिए, हाइड्रोसिपेलिस है वो मस्तिष्क का एक रोग है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगर ये वैसे देखो नाम से भी पता चलता है, एक मिनट इसके रिलेटेड देखो, एक एक्स्ट्रा फैक्ट ऐसे याद आ गया तो चलो बता देता हूँ। जो हाइड्रोसिपेलिस है इसके अंदर क्या होता है, मस्तिष्क के अंदर पानी भर जाता है। हाइड्रो से वैसे आप याद रख सकते हो, पानी से जुड़ा हुआ ही नाम है हाइड्रोसिपेलिस, मस्तिष्क के अंदर पानी भरने की वजह से। चलिए अगला सवाल है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी सिंपेथेटिक न्यूरल सिस्टम का
कार ये नहीं है, तो आपको ये बताना है कि कौन सा कार ये नहीं है। इसका मतलब तीन कार ये तो है और एक कार ये नहीं है, तो एक कार ये कौन सा नहीं है, पाचन क्रिया को बढ़ाना इसका कार ये नहीं है, बाकी जो BMR को बढ़ाना भी इसका कार्य है, रक्तदाब को बढ़ाना इसका कार्य है और हृदय धड़कन को बढ़ाना कार्य है। तो आपको पता होगा कि दो तरह के न्यूरल सिस्टम अपन ने पहले पढ़े थे, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम और पैरासिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम। जो सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम होता है वो हमेशा बढ़ाने का काम करता है, ये आपको याद रखना है। और जो सेकेंड जो होता है वो होता है पैरासिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, वो क्या करता है, कम करने का काम करता है। तो ये इस तरह आप याद रख सकते हो कि सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक के अंदर डिफरेंस ही हो गया। सिंपैथेटिक हमेशा बढ़ाने का काम करेगा और जो पैरासिंपैथेटिक होगा वो हमेशा कम करने का काम करेगा। जैसे अगर आपसे ये पूछे कि BP लो हो रही है तो कौन सा न्यूरल सिस्टम का कार्य है ये, तो ये पैरासिंपैथेटिक का कार्यक्रम है कार्य। अगर BP हाई होगी तो सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम का कार्य होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसके सम्मिलित रूप से न्यूरोएंडोक्राइन तंत्र कहा जाता है, तो आपको ये बताना है कि न्यूरोएंडोक्राइन तंत्र किसको कहते हैं। कुल मिला के ये पूछा है कि न्यूरोएंडोक्राइन तंत्र किसको कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अंतःस्रावी तंत्र वे तंत्रिका तंत्र, इन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, अंतःस्रावी तंत्र और न्यूरो ये तंत्रिका तंत्र दोनों को मिला के क्या कहते हैं, न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। इसको कोऑर्डिनेशन सिस्टम भी कहते हैं वैसे, क्योंकि साथ साथ ही काम करते दोनों। अगला सवाल है, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, जो नर्वस सिस्टम है उसका अध्ययन क्या कहा जाएगा, तो इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, न्यूरोलॉजी कहा जाता है। अब जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीन जो और भी दिए हुए हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो अपने को जो सही कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा भी पता होना चाहिए वैसे, ताकि कई बार अपन जो कैंसिल करके के ऑप्शन हटा के भी अपन आंसर दे सकते हैं। इथोलॉजी अगर पूछे, इथोलॉजी किससे संबंधित है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इथोलॉजी का निम्न में से किससे संबंधित हो गया, तो ये यहाँ पे देखो, जो इथोलॉजी होता है वो होता है कि जो जानवरों के जो अध्ययन अगर अपन करेंगे तो उसको क्या कहा जाता है, इथोलॉजी कहा जाता है, जानवरों के अध्ययन को। अब अगर सार्कोलॉजी पूछे आपसे तो पक्षियों का जो अध्ययन करेंगे उसको कहते हैं सार्कोलॉजी। और टैक्सोनॉमी, वैसे आपको पता होगा कि जो जंतुओं की जो स्पीसीज यानी जो जातियाँ होती है उनका नामकरण और वर्गीकरण जो करते हैं वो टैक्सोनॉमी के तहत करते हैं। ये तो बॉटनी का टॉपिक हो गया, अगर बॉटनी जब अपन तैयार करेंगे उस टाइम ये और भी क्लियर से एक बार और पढ़ लेंगे। अगला जो सवाल है वो है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेशवाहक का कार्य निम्न में से कौन करता है, तो एक न्यूरॉन से लेकर दूसरे न्यूरॉन तक का ले जाने का कार्य कौन करता है, तो एक्सॉन करता है। ये तो अपन ने पहले ही जो न्यूरॉन का जो डायग्राम देखा था उसके अंदर आपने इसे देखा ही था, एक सर्जना थी उसके लास्ट में ऐसे बने हुए थे, तो वो वहाँ से क्या होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में ट्रांसफर होती है, और इन दोनों के बीच में जोड़ने वाली को क्या कहते हैं, तो उसको सिनेप्सिस कहते हैं, जहाँ से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ी हुई रहती है। अब यहाँ पे ये आप देख सकते हो, जैसे ये यहाँ पे होगी देखो एक जोन, तो यहाँ से जो एक जोन से है यहाँ से अब दूसरी न्यूरॉन के अंदर ट्रांसफर हो रही है, फिर ये आगे से आगे आगे से आगे ऐसे ट्रांसफर होती जाएगी, करण इकाई कहा जाता है। तो आपको ये बताना है कि निम्न में से किसी शरीर का केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को कहा जाता है शरीर का प्रसंस्करण इकाई। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन मनुष्य को सूंघने की संवेदना प्रदान करता है, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के रखिए, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि मनुष्य को सूंघने की संवेदना कौन प्रदान करता है, तो ग्राणपिंड होता है वो मनुष्य को सूंघने की संवेदना प्रदान करता है। अब अगर ये पूछे कि ग्राणपिंड यानी कि जो सूंघने की क्षमता है मनुष्य से ज़्यादा किसके अंदर होती है, तो वहाँ पर ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है, एक तो जो कुत्ता होता है जो अपना डॉगी है उसकी जो मनुष्य से ज़्यादा होती है, और डॉगी के अलावा अगर आपसे पूछे किसकी ज़्यादा होती है, तो जो शार्क है, शार्क मछली होती है उसकी मनुष्य से ज़्यादा सूंघने की क्षमता होती है, जो इनके ग्रांडपिंड होते हैं वो ज़्यादा विकसित होते हैं ग्रांडपिंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे भूख व प्यास का केंद्र कहा जाता है, तो भूख व प्यास का किसको केंद्र कहते हैं, हाइपोथैलेमस कहते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में हुआ, तो जो तंत्रिका तंत्र है यानी कि नर्वस सिस्टम है उसका विकास सर्वप्रथम किस जीव के अंदर हुआ था, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि अभी जो NTPC 2021 के अंदर जो CBT 1 हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ था, तो सबसे पहले किसके अंदर विकसित हुआ था, हाइड्रा के अंदर विकसित हुआ था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी कि पेरीफेरल नर्वस सिस्टम
किससे बना होता है? जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये सॉरी एक चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पे, जो बताना है पहले भी बतानी थी, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ही है, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम होगा, ये आप याद रखना है। PNS जो लिखते हैं अपन, इसका नर्वस सिस्टम नहीं होके, कई बार आपको अगर फुल फॉर्म जब पूछी गई, आप बोलने में चलो नर्वस सिस्टम बोलते हो, लेकिन वहाँ पर आपको याद रखना है यहाँ पर न्यूरल सिस्टम है। और ये तो किस किस का बना होता है? तो ये ऑप्शन 1 और 2, यानी कि कपाली तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर बनता है PNS। ये भी आपको याद रखना है, ये किस किस से मिलकर बना है? कपाली तंत्रिका और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर ये आप, चलिए एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, याद आ गई तो, कपालीय तंत्रिकाएं कितनी होती है? तो 12 जोड़ी होती है कपालीय तंत्रिकाएं। और अगर इसी के अंदर आपको ये पूछे कि जो मेरु तंत्रिकाएं हैं वो कितनी होती है, तो ये भी आप याद रखिए कि मेरु तंत्रिकाएं कितनी होती है, 31 जोड़ी होती है मेरु तंत्रिकाएं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, डिस्लेक्सिया नामक रोग का संबंध निम्नलिखित में से शरीर के किस अंग से है? तो डिस्लेक्सिया रोग है उसका संबंध किससे है? मानव के मस्तिष्क से संबंध है डिस्लेक्सिया का। और इसके अंदर क्या होता है अगर ये पूछे तो, डिस्लेक्सिया के अंदर क्या होता है? जो अगर कुछ भी लिखा हुआ होता है तो वो, जिसको ये बीमारी होगी वो उसको सही से ना ही तो पढ़ सकता है ना ही समझ सकता है, लिखी हुई भाषा को पढ़ नहीं सकता और समझ नहीं सकता। अब ये जो डिस्लेक्सिया है इसका एक नाम और भी है, इसी को ही कहते हैं रीडिंग डिसेबिलिटी। अगर ये भी आपसे पूछे कि रीडिंग डिसेबिलिटी का संबंध किससे है तो भी मस्तिष्क से ही है। चलिए आज जो अपन ने जो जो नर्वस सिस्टम था उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे के सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब जो अगला क्वेश्चन आएगा, जो अगला जो वायु का चैप्टर होगा जल्दी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब आप इसमें ये बताना कि अपन ने जो इसके अंदर जो थ्योरी साथ साथ में लेने की कोशिश की है, थ्योरी प्लस जो MCQ किए हैं, तो आपको ये कैसे लगे? अगर आपको लगता है कि ये बेस्ट है तो अपन आगे से भी ऐसे ही करेंगे कि थ्योरी और MCQ दोनों साथ साथ लाएंगे। और अगर आपको लगता है कि सीधे सीधे क्वेश्चन करवाने तो भी आप कमेंट करके बता देना कि, तो जल्दी जल्दी सीधे सीधे आपको क्वेश्चन करवा देंगे। अब जो लास्ट एक हमारी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि देखो, ज़्यादातर लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो सिर्फ आपको 1 सेकंड लगता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और भी अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और हाँ एक चीज़ और, आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम का लिंक सबसे ऊपर दिया हुआ है, तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अगर आपको यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो भी वहाँ पे नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेगा।